बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक डेली लाइफ से बहुत रिलेटेड है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं प्री लेसन कुछ एक्टिविटी आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इसमें देखें, ये एक बस है और ये बस चलना शुरू करेगी और इसमें पैसेंजर जो है बैठे हुए हैं। ये पैसेंजर जब बस सडनली स्टार्ट होती है तो ये पीछे की तरफ गिरते हैं। आपने सोचना है ऐसा क्यों होता है। एक्टिविटी देखिए, आपने देखा जैसी बस स्टार्ट हुई पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ गिर गया। इसके बारे में सोचें ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट है, अब पैसेंजर देखें बैठे हुए हैं और बस चलना शुरू करेगी और चलने के बाद जब देखिए बस आपके सामने स्टार्ट हुई, ठीक है, तो अब बस अचानक रुक जाए तो अचानक बस रुकने से देखिए क्या होता है। बस चल रही है और देखिए ये क्या होगा। जब सडनली बस चली थी तो पैसेंजर पीछे गिरे थे और अब चलती हुई बस अचानक रुकी तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरा। एक और एक्टिविटी है, तीसरी एक्टिविटी। अब जो है बस मोड़ काटेगी। जब बस मोड़ काटती है तो उसके अंदर पैसेंजर जो है आउटवर्ड मूव करते हैं या गिर जाते हैं बस पे, छत पे अगर खड़े हो तो। अब देखें ये बस जो है ना अभी जा रही है, ठीक है, और इसने टर्न लेना है। ये टर्न लेने से देखें, ये दोबारा मैं एक्टिविटी कर देता हूँ, सकता है आपको नजर ना आई हो, ये कुछ सामान रास्ते में रखा हुआ था। तो देखें ये बस चलना शुरू करेगी, चल रही है और स्ट्रेट और बस स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। टर्न ले रही, टर्न लेने से देखें पैसेंजर जो है वो आउटवर्ड गिर गई। ऐसा क्यों हुआ है ये आप सोचें और अपने जहन में देखें ऐसा क्यों हुआ और कुछ इसके सवालों के जवाब आप दें मुझे। वो क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है तो पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस फॉल बैकवर्ड व्हेन इट स्टार्ट्स सडनली, एक्सप्लेन व्हाई। मेरा दूसरा क्वेश्चन है द पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट स्टॉप्स सडनली, एक्सप्लेन व्हाई। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है व्हेन बस टेक्स ए शॉर्ट टर्न पैसेंजर फॉल इन आउटवर्ड डायरेक्शन, एक्सप्लेन व्हाई। ये तीनों सवालों के लिए मैंने आपके सामने एक्टिविटी भी कर ली और सवाल भी पूछ लिए, तो आप इसके बारे में सोचिए ऐसा क्यों होता है। अब इसका जवाब मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। उस टॉपिक के अंदर आपने भी जरा सोच लिया होगा क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन न्यूटन ने इस पर एक लॉ बनाया, कानून बनाया इन्हीं तीन एक्टिविटी में। वो लॉ क्या कहलाता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और इसका तल्लक इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से। और इनर्शिया क्या होता है ये पिछले टॉपिक में आपने पढ़ लिया कि बॉडी अपोज करता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अपोज टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि रेस्ट में या मोशन में हम चेंज आना चाहते हैं तो बॉडी उसको अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो ये लॉ इनर्शियल प्रॉपर्टी से डील करता है और इसकी देखिए स्टेटमेंट आप देखें तो स्टेटमेंट भी इसकी यही है, इनर्शियल जो है ना प्रॉपर्टी को ही जाहिर करती है। इसकी स्टेटमेंट देखें, ए बॉडी कंटिन्यूज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो आप देखें कि इसके मैंने तीन कलर से लिखा है और तीन इसके पार्ट है साथ में। एक पार्ट जो है ए बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट, ये इसका जो लॉ इनर्शिया है इसका रेस्ट इनर्शिया को जाहिर करता है। किसको जाहिर कर रहा है, नेस्ट इनर्शिया। नेस्ट इनर्शिया क्या होता है, ए बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट कंटिन्यू एट रेस्ट, ये इसका रेस्ट इनर्शिया कहलाता है। कि बॉडी जब रेस्ट में होता है तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखता है। तो आप देखिए जो मैंने पहली एक्टिविटी की थी और पैसेंजर जो है पीछे गिर गया था, इसकी वजह क्या थी, अब इसमें एक्सप्लेन कर दी गई है, रेस्ट इनर्शिया में एक्सप्लेन कर दी गई है। ये स्टेटमेंट जो रेड से मैंने लिखी हुई है वो क्या है कि देखिए जब पैसेंजर बस चलना शुरू हुई तो पैसेंजर के जो पाँव है वह चल पड़े, लेकिन उसके ऊपर वाला पार्ट ऑफ बॉडी रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। वो इनर्शिया वैसे रेस्ट में रहा, उसमें मोशन पैदा नहीं हुई, पाँव चल पड़े, ऊपर वाला पार्ट ऑफ बॉडी वहीं रहा, तो आदमी पीछे गिर गया। और आपने देख भी लिया और न्यूटन ने भी
इतनी सदियां पहले ये बात बता दी थी, जब हो सकता है जब बस दी थी तो उस वक्त भी उसने एक्सप्लेन कर दिया था। तो आपने भी सोचा होगा, इससे काफी मिलता जुलता जवाब भी आपने सोचा होगा। अब दूसरा पार्ट इसका है कि आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यह यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, किसी किस्म उसमें उसकी स्पीड में कमी नहीं आती। तो आपने देखा कि जब बस अचानक रुक गई, जब बस रुकी तो क्या हुआ, बस रुकी तो लोअर पार्ट ऑफ दी बॉडी यानी कि पांव भी रुके, लेकिन अपर पार्ट ऑफ दी बॉडी रिमेन इन मोशन, उसी मोशन में रहा तो क्या हुआ, अब जरा पांव तो रुक गए लेकिन ऊपर वाला पार्ट ऑफ दी बॉडी नहीं रुका, तो आपने देखा कि पैसेंजर आगे की तरफ गिर गया। ये एक्सप्लेन करता है मोशन इनर्शिया को, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो है उसमें आपने देखा कि ना बस रुकी ना बस चली, लेकिन बस ने जब जो है ना मोड़ काटा तो पैसेंजर जो है वो आउटवर्ड बाहर की तरफ गिर गए। अगर छत पे कोई बैठा हुआ तो वो गिर जाएगा, इसलिए बहुत खतरनाक है, बस भी छत पे बैठे हो और बस जो है ना नैरो टर्न ले रही हो तो पैसेंजर जो है ना बस पे खड़े हैं वो गिर जाएंगे, और सीट पे बैठे वाले भी जो है ना वो बाहर की तरफ निकलेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बस तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और सर्कुलर पाथ में उस पर जो उसमें फोर्स लग रही है सेंटीपीटल फोर्स, उसको तो सर्कुलर पाथ में मूव करा रही है, लेकिन पैसेंजर में कोई फोर्स लग नहीं रही, वो पैसेंजर जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और वो और इस वजह से बस ने बोर्ड काट ली, उसे नहीं काटा, वो बाहर की तरफ गिरेगा। तो इन तीनों सवालों के जवाब आप सोचें तो आपको मिल गए होंगे। तो मैं इस लास्ट वाला एक्सप्लेन डिटेल से कर देता हूँ। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में दोबारा आता हूँ, ए बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट, कि जब कोई इस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती। अब देखें ये कार रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कभी नहीं मूव करेगी। ये ग्लास ये बीकर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ये बॉल रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, इसमें किसी किस्म की मोशन पैदा नहीं होगी। अगर इसमें मोशन पैदा करेंगे तो उसको अपोज करेगी, जिस तरह पैसेंजर ने अपोज किया, ठीक है। इसी तरह आप एक्टिविटी मैंने दोबारा करा देता हूँ, एक पहले रशिया में कराई थी। अब इसमें देखिए मैं फोर्स किस पे लगा रहा हूँ, फोर्स में कार्ड पे लगाऊंगा, वॉल पे मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा। लेकिन आप देखिएगा, आपने देखा जिस पे मैंने फोर्स लगाई वो मूव किया, लेकिन वॉल क्योंकि रेस्ट में थी, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट रेस्ट रशिया इसमें था, बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट में ही था, लेकिन जिसको फोर्स लगी, फोर्स लगा के हम चेंज ला सकते हैं, विदाउट फोर्स हम इसमें कोई चेंज नहीं लगा सकते। तो बॉल उसी तरह गिर गई, इस तरह पैसेंजर भी पीछे की तरफ गिर गया और बॉल जो है अपनी जो है ना स्पीकर के अंदर गिर गई। ये एक्सप्लेन करता है रेस्ट इनर्शिया को, क्योंकि बॉडी जो रेस्ट पे रहता है, और अब जब गाड़ी चलना शुरू हो जाए तो मैं भाग जाऊंगा, मेरे सामने जो टीचर मेरे वीडियो बना रहे हैं वो भी भाग जाएंगे, भी ये क्या हुआ, ये तो भी अनहोनी होगी, ये तो खुद ही चलना शुरू हो गया, टेबल चलना शुरू कर दे तो जरा मैं भी याद ही रहूँगा, ठीक है, क्लास में हम बच्चे मेरे सामने आप भी भाग जाएंगे, ये तो न्यूटन ला के अगेंस्ट हो गया, ये नेचर न्यूटन नेचर ये से रिलेटेड है, जरा ऐसा तो नहीं हो सकता कि टेबल मूव करना शुरू कर दे और ये गाड़ी मूव करना शुरू हो जाए खुद ही, ठीक है, बगैर किसी फोर्स अप्लाई की, तो लाजमी बात है हमारे लिए बहुत अजीब सी बात होगी। तो ये रेस्ट इनर्शिया तो हमारे ऑब्जर्वेशन के अहम मुताबिक है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब फोर्स एक्ट नहीं करती तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, ठीक है। जो एक्टिविटी से भी सीख लिया और आप डेली लाइफ से भी देख रहे हैं, ऐसा ही होता है कि फोर्स नहीं लगा रहे तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ये इसको हम कहते हैं रेस्ट इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका दूसरा पार्ट कि बॉडी मूव करता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, आर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पहले से एक्सप्लेन करता हूँ आप यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी में कोई कमी पेशी नहीं आएगी, ना वेलोसिटी कम होगी ना बढ़ेगी, ठीक है। अब इसमें पहला था कि वेलोसिटी उसकी जीरो रहती है रेस्ट इनर्शिया में, और जो ये जो मोशन इनर्शिया है इसमें वी जो है वी आई या वी एफ वो भी कंसेप्ट नहीं है, सेम वेलोसिटी रहती है, मतलब कोई एक्सीलरेशन पैदा नहीं होता, एक्सीलरेशन जीरो है, ना वेलोसिटी में कोई कमी पेशी नहीं आती है, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। अब मैं एक बॉल फेंकूंगा तो इस बॉल के अंदर एक दफ़ा मैं फेंक दूंगा, देखिए मैंने बॉल फेंक दी तो ये हमेशा मोशन में रहेगी, ये तो रुक गई, वही ये क्या हो गया, न्यूटन ने तो कहा था कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, लेकिन आपने देखा कि बॉल हम फेंकते हैं, आप भी फेंकते हैं, जिस तरह के रेस्ट में बॉडी रेस्ट में रहता है हम इससे बात करते हैं, लेकिन बॉडी हमेशा मोशन में रहता है,
हम इसे थॉट नहीं करते, मेरे सामने मैंने बॉल फेंकी और बॉल रुक गई, आप ही फेंकी बॉल थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी रुक जाएगी। ये सोचिए ऐसा क्यों हुआ। लेकिन देखिए बेटा न्यूटन ने बिल्कुल सही कहा, न्यूटन की शर्त है बॉडी कंटिन्यूड स्ट्रेस्ड, कब जब नो फोर्स एक्ट अपॉन इट, फोर्स लगाते हैं ना बॉडी मूव करता है, इसी तरह बॉडी जब मोशन में होता है उस पर यदि फोर्स लगेगी तो वो रुकेगा। अब बॉडी क्यों रुका, इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह यह थी कि जैसे ही देखिए उस पर अपोजिंग फोर्सेज एक्ट कर रही थी, वो कौन कौन सी अपोजिंग फोर्सेज है, जैसे मैंने ऊपर फेंका बॉल ऊपर फेंका तो ग्रेविटी ने उसे अट्रैक्ट किया, अगर ग्रेविटी ना होती तो बॉल ऊपर ही जा रही, आप कह जो ना होते ठीक है, आप इतनी बात है गेंद ऊपर जा रही वापस ही ना नहीं गेंद हो, लेकिन ग्रेविटी अगर पैदा की जो जमीन जो ग्रेविटी है उस बॉल को नीचे खींचती है ठीक है। एक फोर्स तो ये हो गई, ये अपोजिंग फोर्स है जो जो मैंने बॉल फेंका उसमें जो फोर्स है अगर ऊपर फेंकी है तो ग्रेविटी फोर्स भी होगी, पहले वो बॉल ऊपर जाएगी फिर बॉल नीचे आएगी, जब दोनों सूरतों में ऊपर जा रही है नीचे जा रही है उस पर एक और फोर्स भी एक्ट कर रही है एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन भी उसमें असर डाल, ये भी अपोजिंग फोर्स है, और तीसरी फोर्स जब वो बात ग्राउंड पे आ गई तो वो ग्राउंड के फ्रिक्शन से ब्लॉक करती है, ब्लॉकिंग फोर्सेज है ये अपोजिंग फोर्स है, इस वजह से बॉडी रेस्ट में आ गया। अगर इसको हटा दें ये फोर्स एक्ट ना करे ठीक है, एक्सलेशन जीरो हो तो जरूर उस सूरत में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी फिर, ये तो रेस्ट के लिए था। अब देखिए बॉडी में हमेशा सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहेगा, क्या करें ये तीनों फोर्सेस स्विच ऑफ कर दें, ये तीनों फोर्सेस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एयर फ्रिक्शन और ग्राउंड फ्रिक्शन स्विच ऑफ हो जाए तो फिर हमारा बॉल जो हम फेंकेंगे वो कभी नहीं रुकेगा, वो मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, इसको कहते हैं मोशन इनर्शिया, यानी कि उसकी यानी कि मोशन की हालत में कोई चेंज नहीं आएगी, उसको पोस्ट करेगा, सिर्फ हम फोर्स लगा के चाहे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो या बॉडी जा रहा हो, देखिए बॉडी जा रही है जैसे कि मैं इसको ब्रेक लगा दें इसे रोक लें ठीक है, लेकिन नहीं लगाऊंगा देखिए थोड़ा सा जाकर रुक जाएगी क्योंकि टेबल की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसके लिए आप एक्टिविटी कर सकते हैं, अगर तीन सर्फिस बना लें, एक फर्स तो मार्बल हो, एक सीमेंटेड ग्राउंड हो और एक ग्लास का फ्लोर हो, आप अगर एक गेंद फर्स को फेंकते हैं और पूरी फुल ताकत से खेतों में देखें कितने डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद उसी गेंद को ईंटों के फर्श पर फेंके तो वो ज़्यादा दूर जाएगी, उसी फर्श को अगर सीमेंटेड फ्लोर पर फेंके और ज़्यादा दूर जाएगी, उसको अगर हम मार्बल के फ्लोर पर फेंके और ज़्यादा दूर जाएगी, अगर उसको हम ग्लास के फ्लोर पर फेंके और ज़्यादा दूर जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड फ्रिक्शन काम कर रहे हैं, बॉडी डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, अगर ग्राउंड फ्रिक्शन बिल्कुल स्विच ऑफ कर दें तो वो बॉल कभी नहीं रुकेगी। आप देखिए सर्फिस को हम चेंज करते हैं तो कम फ्रिक्शन जब होती है तो बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है ठीक है, उसके अंदर असल में क्या होता है जब एक्सीलरेशन पैदा हो जाता है ठीक है, फोर्स लगती है, एक्सीलरेशन जीरो नहीं रहता तो लाजमी बात है वेलोसिटी चेंज हो सकती है, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो न्यूटन लॉ तो एप्लीकेबल नहीं रहा, न्यूटन लॉ तब एप्लीकेबल है कि उसके शर्त है कि प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एट ऑन इट, जब फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट वाला बॉडी मोशन में आएगा और मोशन वाला बॉडी रेस्ट में आएगा, अगर ये शर्त को स्विच ऑफ कर दें, लेकिन शर्त ये रहेगी तो फिर ये बॉडी कंटिन्यू अगर मोशन में है तो कंटिन्यू स्टेट ऑफ, अगर रेस्ट में है तो कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर मोशन में है तो कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन, ये शर्त के है प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एट ऑन इट, ये शर्त है इसमें। अब तीसरी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी मैंने एक्टिविटी आपको पहले करा दी है कि गाड़ी जब मोड़ काटती है ठीक है तो पैसेंजर आउटवर्ड क्यों गिरते हैं ठीक है, तो आउटवर्ड क्यों गिरते हैं ठीक है, आपने सोचा होगा, अब इसका जवाब देखिए पैसेंजर स्टैंड इज इन ए बस फॉर फॉरवर्ड व्हेन इट स्टॉप्स, इसमें ये दूसरा क्वेश्चन था व्हेन बस टेक्स इट शॉर्ट टर्म पैसेंजर फॉर इन आउटवर्ड डायरेक्शन एक्सप्लेन व्हाई, तो मैंने एक्टिविटी कराई थी और आपने देखा था पैसेंजर जो है जैसी गाड़ी ने मोड़ काट तो वो बाहर गिर गया था, इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह डायरेक्शनल इनर्शिया है, इसी के अंदर तीनों किस्म के इनर्शिया, ये जो मैंने रेड से लिखा है ये बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट इनर्शिया है, और जो आप यूनिफॉर्म मोशन ये कौन सा इनर्शिया है, ये मोशन इनर्शिया है, इन द स्टैंड टाइम ये डायरेक्शनल इनर्शिया है, तो बॉडी जो है जब जरा उस पर फोर्स एक्ट नहीं करती तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लेकिन जब बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करती है आपको पता है सर्कुलर मोशन में है तो उसमें आपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, स्पीड इसकी चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड अब स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आप देखिए वेलोसिटी वी है
ठीक है, लेकिन डायरेक्शन हर लम्हे चेंज होती है। जब बड़ी सर्कुलर बात पे आता है, जब टर्न लेता है, गाड़ी टर्न लेती है, तो डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, और सर्कुलर पाथ मूव करता है तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन लगाएं a = v i - v i ओवर d, तो एक्सप्लेनेशन ये लीनियर एक्सप्रेशन जीरो होगा। लेकिन सर्कुलर पाथ के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v2 और r, ये इसमें जो है डायरेक्शन ये फोर्स को लग रही है जिस वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब इसी चैप्टर के एंड में आपको पढ़ाऊंगा, तो वो फोर्स उस पे लग रही है, यानी कि फोर्स जो सर्कुलर पाथ में होता है तो ग्राउंड फ्रिक्शन के अलावा वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स पे एक्ट करती है जो उसकी डायरेक्शन चेंज करती है, जिसकी वजह से गाड़ी को मोड़ काट लेती है, गाड़ी भी फोर्स एक्ट करती होती है, पैसेंजर पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती तो पैसेंजर जो है वो बाहर की तरफ गिर जाता है। तो वो असल में उसका क्या है, डायरेक्शनल एनर्जी है कि डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होती। बॉडी जो इसी जैसे कहा, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, बॉडी मोशन रिमेन इन मोशन स्टेट टाइम विच बी फॉर्म वेलोसिटी। अब स्टेट टाइम में मूव करेगा, अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, फोर्स एक्ट करेगी तो उसे स्टेट एंड से हटा देगी, यानी कि इसमें सर्कुलर पाथ में फॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये है कि उसमें कोई फोर्स एक्ट कर रही है। अगर देखिए फोर्स एक्ट ना करती तो न्यूटन का लॉ बिल्कुल 100% ट्रू है कि उसने स्टेट लाइन में मूव करना था, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी थी, लेकिन उसने डायरेक्शन अभी चेंज कर ली, तो डायरेक्शन चेंज करने से अपराध क्या है कि उसने फोर्स पे लगी। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो डायरेक्शनल इनर्शिया की वजह से वो स्टेट लाइन में मूव करता, वो अपना पाथ चेंज नहीं करता। बच्चों आपने देख लिया कि लॉ हमारी जिंदगी से कितना रिलेटेड है, उन तीनों सवालों के जवाब अब पहले भी आपने सोचे थे, दोबारा सोचें और न्यूटन लॉ याद कर लें, ठीक है, कि द पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस फॉल बैकवर्ड व्हेन इट स्टार्ट्स सडनली एक्सप्लेन व्हाय। अब इस न्यूटन लॉ आपने पढ़ लिया, अब इसका जवाब आप खुद लिखें, सोच के लिखें, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, द पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट स्टॉप्स सडनली एक्सप्लेन व्हाय, इसका जवाब आप दें, आप लॉ आपने पढ़ लिया और एक्टिविटी भी देख ली। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन बस टेक्स ए शॉर्ट टर्न पैसेंजर फॉल इन आउटवर्ड डायरेक्शन एक्सप्लेन व्हाय, बेटे इसका जवाब लिखे कॉपी पे और आपने टीचर को चेक करें। शुक्रिया।